अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, हम लोगों ने तहारत और पाकीज़गी का जो चैप्टर शुरू किया उसका आज चौथा दिन है। तहारत और पाकीज़गी का मफहूम कुरान की रूह से, इरशादात नबवी की रूह से देखा। दूसरे दिन हमने तहारत और पाकीज़गी की अहमियत के मुतालिक जाना। तीसरे दिन हमने पढ़ा कि किरदार में तहारत और पाकीज़गी से क्या क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चंस आपने देखे, तहारत से क्या मुराद है, सफाई और पाकीज़गी की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में, और पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियां आती हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप मेरे साथ इसको हल करेंगे। सबसे पहले यह है कि दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं या गुड का निशान लगाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुद्धू लोगों को किस दिन नहाने की ताकीद की, तो यहां पे देखिए कि किस दिन, जुमेरात, जुमा या हफ्ता। बुद्ध लोग अक्सर पानी की कमी की वजह से कई कई दिन गुसल ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हदायत फरमाई कि कम अज कम जुमे के दिन आप जुमे को सर्कल करेंगे। ऑप्शन जो दूसरा है उसको आप सर्कल करेंगे। जहनी तौर पर पाक साफ इंसान क्या पसंद करता है? जाहरी सी बात है कि जो पाक साफ इंसान होगा वो गंदा माहौल तो पसंद नहीं करेगा, या साफ सुथरा माहौल, इन दोनों को भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो तो हो नहीं सकता, ऑप्शन वन भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली साफ सुथरा माहौल, इसको आप सर्कल करेंगे। माहौल की सफाई और पाकीज़गी का इंसान पर क्या असर पड़ता है? माहौल की सफाई और पाकीज़गी का, अब ये देखें ऑप्शन सी में है कि कुछ भी नहीं, तो ये हो नहीं सकता कि इंसान माहौल की पाकीज़गी का इंसान पर असर ना हो, तकलीफ पहुंचती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जाहरी बात है ऑप्शन नंबर वन को आप सर्कल करेंगे। अपने आप को बुरी आदतों से बचाना किस तरह की तहारत है? जबानी तहारत है, अमली तहारत है, या दोनों तरह की तहारत है? देखें, अपने आप को बचाना, बुरी आदतों से बचाना, अपनी जिंदगी को, अपने आप को, इंसान अपने जिस्म को अमली तौर पर बचाता है, जुबानी तौर पर नहीं। जुबान की तहारत नहीं कहलाएगी ये, बल्कि अमली तहारत कहलाएगी। खाली जगह पुर करें, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, खाली जगह पुर करें। अरबी जुबान में सफाई और पाकीज़गी के लिए तहारत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तहारत। आप इसको मेरे साथ फिल करेंगे। सफाई और पाकीज़गी से मुराद माहौल की पाकीज़गी है। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को क्या करता है? दोस्त रखता है। ये आप चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, आपके नोट्स पर ये सॉल्व शुदा मौजूद भी है, लेकिन आप अपने बुक्स पे भी आज इसको मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। पाकीज़गी किस चीज़ का हिस्सा है? ईमान का हिस्सा है। अपने आप को बुरी आदतों से बचाना क्या है? अमली तहारत है। ये अमली तहारत है, अमल करके जो हम काम कर सकते हैं, जो हम अमली तौर पे कर सकते हैं, एक ज़बानी तहारत, एक अमली तहारत। इस्लाम एक कामिल दीन है, कामिल मुकम्मल दीन है। क्या इस्लाम एक कामिल दीन है? यस। दुरुस्त पे आप निशान लगाएंगे। तहारत कुर्बत इलाही की कुंजी, अल्लाह ताला के करीब जाने की कुंजी है। पाक साफ इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, ये भी ठीक है। पाकीज़गी मुकम्मल ईमान है, मुकम्मल ईमान नहीं है, यहाँ पे ये गलती है। पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। पाक साफ इंसान गंदे माहौल को पसंद करता है, यहाँ इसको आप सर्कल करेंगे, ये इसमें गलती है, इसलिए ये इसको आप क्रॉस करेंगे। इंसान फितरी तौर पर गंदगी से नफरत करने वाला है, उसकी फितरत में ये है कि उसने गंदगी से नफरत ही करनी है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत सफाई पसंदीदगी की बिना पर ही बनाई है, कि इंसान फितरी तौर पर सफाई को पसंद करता है, इसलिए इंसान फितरी तौर पर गंदगी से नफरत करने वाला है। तो ये जवाब दुरुस्त है। यहाँ पे आज की डेट लगाएंगे 31 मार्च। आज के आपके काम में
आपने पाक साफ रहने से हमारे किरदार में क्या तब्दीलियां आती हैं? इस एक्सरसाइज को याद करने के अलावा अपनी होमवर्क की कॉपी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 को आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे, किरदार में तब्दीलियां। ये आंसर आपके नोट्स पे मौजूद है, वहां से आपने ये आंसर जो है अपनी होमवर्क वाली कॉपी पे आज की डेट लगा के तो ये आंसर जो है आपने लिखना है।